हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम अब्बास की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट टल सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे हम। बाहुबली फिल्म करने के बाद प्रभास के स्टारडम में एक अलग ही चमक देखने को मिली, लेकिन बैक टू बैक दो बड़ी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। सबसे पहले साहू और राधे श्याम के सुपर फ्लॉप होने के बाद प्रभास बैक टू बैक सारी फिल्मों को कर रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष का टीजर वीडियो रिलीज होते ही उस पर काफी बवाल देखने को मिला। कहा जा रहा है कि फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसमें आधुनिक VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के निर्माता ओम राउत दर्शकों को खुश करने में नाकाम रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म का टीजर जब रिलीज हुआ तो इस फिल्म के प्रति लोगों का गुस्सा देखने को मिला। श्री राम के किरदार में प्रभास को दर्शकों ने सिर से नकार दिया, तो वही दूसरी ओर रावण का किरदार निभाने वाले सैफ अली खान को भी जमकर ट्रोल किया गया। फिलहाल बाहुबली प्रभास के बर्थडे पर यानी 23 अक्टूबर को मेकर्स ने आदि पुरुष का नया पोस्टर रिलीज किया गया था। साथ ही यह भी बताया था कि रामायण पर आधारित यह फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। हालांकि मीडिया पर चल रहे अफवाहों को माने तो आदि पुरुष रिलीज डेट बदल सकती है। बताया जा रहा है कि आदि पुरुष फिल्म को रिलीज करते ही ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। अभी हाल ही में गेट आंड्रा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म प्रभास और सैफ अली खान और कृति सेन आदि पुरुष रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की वजह फिल्म का खराब VFX भी वजह माना जा सकता है। greatandra.com के सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि आदि पुरुष के मेकर्स मकर संक्रांति वाला स्लॉट छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस त्यौहार के मौके पर थलापति विजय की वारिसु, चिरंजीव की मेगा 154 और नंद कुमार बालकृष्णा की वीर सिंहा रेड्डी भी सिनेमा घर में उतरने वाली है। ऐसे में आदि पुरुष का की रिलीज डेट टल सकती है। मेकर्स की आइडिया यह है कि शुरुआती हफ्ते में दो हफ्ते में फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर मिल सके ताकि फिल्म बढ़िया कमाई कर पाए, वरना 500 करोड़ का प्रोडक्ट कॉस्ट वापस कैसे आएगा। आदि पुरुष मेकर्स अगले कुछ हफ्ते विचार विमर्श करने के बाद मसले पर फैसला लेने वाले हैं। आदि पुरुष में प्रभास के साथ सैफ अली खान, कृति सेन, सनी सिंह जैसे एक्टर ने भी काम किया है। इस फिल्म डायरेक्ट किया है तानाजी फेम ओम राउत ने।